नमस्कार दोस्तों, मैं भी आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। और आज हम बात करने वाले हैं नोकिया के लेटेस्ट लॉन्च मॉडल जो कि है बजट सेगमेंट में नोकिया X6। आज हम बात करने वाले हैं नोकिया X6 के बारे में जो कि अभी लॉन्च हुआ है चाइना में। अभी इंडिया में जो है लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी जो है लॉन्च हो सकता है। तो बात कर लेते हैं कुछ इसके स्पेसिफिकेशन की और देखते हैं कि क्या ये फोन जो है किस किस फोन को जो है बीट कर पाएगा। तो करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात। तो बात कर लेते हैं नोकिया X6 के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है डिजाइन देखने को मिल जाएगा नोकिया X6 का। जहां पर डिस्प्ले साइज यूज किया गया है वो है 5.8 इंच का डिस्प्ले, जो कि यहां पर डिस्प्ले यूज किया गया है वो है IPS LCD स्क्रीन। जहां पर आपको स्क्रीन रेशो मिलेगा वो है 19:9 का स्क्रीन रेशो। जहां पर आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जहां पर रेजोल्यूशन यूज किया गया है वो है फुल HD+। जहां पिक्सल की बात करते हैं वो काम करेगा 1080x2280 के साथ में। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिजाइन जो है काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और यहां पर जो हम बात करते हैं स्क्रीन रेशियो की, तो 19:9 के साथ में आपको जो है FHD+ जो है स्क्रीन रेशियो मिलेगा ही। और यहां पर जो है यूज किया गया है एल्यूमिनियम फ्रेम, तो आपको जो है कुछ इस तरीके से जो है डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो काफी अच्छा डिजाइन है। अगर जब ये इंडिया में लॉन्च होगा तो दूसरे ब्रांड थोड़ा सा यहां पर सोचेंगे कि अब हम अपना प्रोडक्ट जो है कैसे बेचें। और साथ में यहां पर डिजाइन ने बहुत और भी कुछ अच्छा दिया है, जो कि है नॉच वाला डिस्प्ले जो कि ओप्पो वीवो हमें देते हैं 22-23 हजार रुपए की प्राइस में। और यहां पर हम ये नोकिया X6 दे रहा है ऑलमोस्ट 13-14 हजार रुपए की प्राइस में। तो यहां पर जो है काफी अच्छा डिजाइन और डिस्प्ले आपको जो है इस फोन के साथ में जो है देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहां पर डिजाइन अच्छा हो ही गया है। तो परफॉर्मेंस में यहां पर जो है नोकिया ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है हमें यहां पर दिया है, जो कि आपको मिलेगा यहां पर चिपसेट वो है स्नैपड्रैगन 636। देखिए यहां पर हमने स्नैपड्रैगन 636 से बहुत सारे जो है कंपेरिजन किए हैं रेडमी नोट 5 प्रो और साथ में यहां पर असूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1। तो वहां पर जो है परफॉर्मेंस काफी अच्छा जो है देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636 का। तो वही चिपसेट जो है आपको नोकिया के X6 में भी जो है देखने को मिल रहा है। हम देखते आ रहे हैं फरवरी से नोट 5 प्रो, उसके बाद में मैक्स प्रो M1, उसके बाद में आया रियलमी और अब यहां पर आ गया है जो कि है नोकिया का X6। तो कंपटीशन आता जा रहा है और वही चिपसेट ऑलमोस्ट सब यूज कर रहे हैं स्नैपड्रैगन 636 या फिर जो है मीडियाटेक का हेलियो 360। लेकिन आपको X6 में जो है स्नैपड्रैगन 636 आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और साथ में परफॉर्मेंस में हम बात करते हैं इसके वेरिएंट की, जो कि है 3 वेरिएंट लॉन्च होने वाले हैं, 4GB 32GB, 4GB 64GB और 6GB 64GB। तो यहां पर जो है परफॉर्मेंस और भी हमें जो है अच्छा देखने को मिलेगा। और साथ में हम बात करते हैं यहां पर GPU वर्जन की, तो वो आपको मिलेगा एड्रिनो 509, मतलब जो है गेमिंग परफॉर्मेंस भी जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा इस नोकिया X6 के साथ में। तो ये था इस फोन का परफॉर्मेंस। और अब हम बात करते हैं फोन के कैमरे की, जहां पर डुअल रियर कैमरा तो बनता ही है दूसरे कंपटीशन ब्रांड को बीट करने के लिए। तो आपको यहां पर जो है नोकिया X6 के अंदर आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, जहां पर एक अच्छी जो है पोर्ट्रेट पिक्चर जो है कैप्चर कर सकते हैं, ब्लर इफेक्ट जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो यहां पर जो है कैमरा परफॉर्मेंस भी जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा। जहां पर हम बात करते हैं अपर्चर लेंस की, तो 16 मेगापिक्सल के साथ में आपको मिलेगा अपर्चर लेंस f2.0 और 5 मेगापिक्सल के साथ में आपको मिलेगा f2.2। तो वहां पर जो है अच्छी इमेज कैप्चर कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो आप खुद की सेल्फी भी जो है अच्छी कैप्चर कर सकते हैं। जहां पर आपको अपर्चर लेंस मिलेगा फोकल लेंस f2.0। तो यहां पर जो है कैमरे का परफॉर्मेंस भी जो है काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा नोकिया के X6 के साथ में। हमने जो है अभी तक 3 चीजें कवर करी है, यहां पर डिजाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस, और यहां पर जो है कैमरा। इन तीनों ही चीजों में जो है ये इजीली जो है और ब्रांड्स को जो है बीट कर सकता है। तो यहां पर जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है इस नोकिया X6 का देखने को मिल जाएगा। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस से साथ में इसकी प्राइस भी जो है बहुत अच्छी रखी गई है, वो हम बताएंगे अभी लास्ट में। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सेंसर्स वगैरह की। तो आपको यहां पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर, जीरो सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, कंपास सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको जो है देखने को मिल जाएगा इस फोन के साथ में। और इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर एंड्रॉइड OS वर्जन की, तो आपको यहां पर जो है लेटेस्ट वर्जन जो है देखने
को मिलेगा जो कि है 8.1 के साथ में ओरियो का वर्जन। तो यहां पर जो है ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें जो है नोकिया X6 का देखने को मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में आते हैं हम बैटरी की तरफ, जो कि हमारे लिए बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहां पर बैटरी मिलती है 3060mAh की बैटरी। बैटरी का परफॉर्मेंस जो है आपको 3060mAh की बैटरी के साथ में एक अच्छा परफॉर्म हमें जो है बोल सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस हम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है ये था इसका ऑल ओवर पैकेज जो कि है नोकिया X6 का। आपको जो है ये स्पेसिफिकेशन आपको जो है देखने को मिल जाएंगे इस फोन के साथ में। हम बोल सकते हैं यहां पर जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस ये जब इंडिया में लॉन्च होगा तो Redmi Note 5 Pro, Asus Max Pro M1 और यहां पर Realme जो Oppo का सब ब्रांड है, इन तीनों के यहां पर जो है इजिली जो है बीट कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि अगला ब्रांड जो है कौन सा आता है, तो हम उस चीज का वेट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और सबसे लास्ट में आते हैं हम यहाँ पर प्राइसिंग की साइड में, क्योंकि इतना अच्छा पैकेज तो हमें मिल रहा है, तो प्राइस कितनी मिल रही है नोकिया X6 की। तो यहाँ पर जो है वेरियंट है 4GB 32GB वाला, जो कि आपको यहाँ पर जो चाइना में लॉन्च हुआ है उस करेंसी के अकॉर्डिंग हम इंडियन में कन्वर्ट करें तो वहां पर आपको प्राइस कन्वर्ट होता है 13,800 रुपए इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग। इस प्राइस में 4GB 32GB मतलब जो वेरिएंट है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस प्राइस में अगर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा तो। और इसके अलावा बात करते हैं यहां पर 4GB 64GB की, तो वो प्राइस रखा गया है वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो 16,000 रुपीज। और यहां पर आते हैं 6GB 64GB वाला वेरियंट पे, जो कि काम करेगा प्राइस वो है 18,100 या 200 रुपए। तो यहां पर जो है उस अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं इंडियन प्राइस में तो मिलेगा ऑलमोस्ट 18,000 रुपए का, 4GB 64GB ऑलमोस्ट 16,000 रुपए का और 4GB 32GB 14,000 रुपए का। तो ये था इस पूरा पैकेज इस फोन का नोकिया X6 था। तो ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है नोकिया X6 के बारे में। क्या ये जल्दी लॉन्च करना चाहिए नोकिया को इंडिया में हमारे लिए, या फिर जो है नहीं करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अपने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, हम वहां पर भी छोटे छोटे अपडेट्स देते रहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपकी फोन स्क्रीन पे जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स भी देखने को मिल जाएगी। तो इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में।